हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तब्रेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो इस वक्त हूँ मैं बल्गेरिया के सोफिया एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। मैं रात में उतरा था यहाँ पे और यहाँ से मैं जा रहा हूँ माल्टा। लेकिन कहते हैं जिस देश में अगर उस देश के बारे में नहीं बात करूँ तो लोग बोलेंगे मलिक भाई अब बल्गेरिया पे वीडियो नहीं बनाते हैं। तो कुछ वर्कआउट करने के बाद कुछ चीज़ें मालूम पड़ी है जो मैं चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर का शेयर करूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि बल्गेरिया के वर्क परमिट और वीज़ा प्रोसेस क्या होते हैं, कौन कौन से डिमांड होते हैं और किस तरह से आप जॉब खोज सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं बल्गेरिया। आपको बता दूँ बहुत ही पुरानी कंट्री है, यहाँ की कल्चर बहुत खूबसूरत है। आप कुछ जैसे कि मैं लैंड होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा रशिया के कल्चर इनमें है, तो इन्होंने तो बोला नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि बात करने का ढंग और इनका वे ऑफ टॉकिंग भी मुझे लगभग उतना ही लगा कि ये उसी टाइप के उतने टाइप के हैं, मतलब रशियन से थोड़ा मैच करते हैं। और इतना खूबसूरत है ये देश, आपको दिखाता हूँ यहाँ से, खाली व्यू दिखाता हूँ पीछे का। पहले ये पीछे का पूरा एयरपोर्ट का ये व्यू है, देखो सामने ये इसके फ्लैग्स, और ये पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, देखो फुल माउंटेन से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आपको मेट्रो भी मिलेगा, जैसे अगर आप लैंड होते हो यहाँ पे अगर लैंड होते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से अराइवल है, मैं रात में यहीं उतरा था, और यहाँ से आप मेट्रो पकड़ के जा सकते हो। टैक्सी भी बहुत अच्छी है, यहाँ से आप मेट्रो पकड़ के जा सकते हो। तो बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। यहाँ पे जॉब्स जो डिमांड है लेबर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मैंने देखा, लेबर लोगों का डिमांड अच्छा खासा है। उसके बाद जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनका काफ़ी अच्छा डिमांड है, और इंजीनियरिंग लोगों का भी अच्छा डिमांड है। मेडिकल बैकग्राउंड तो है ही है यहाँ पे अच्छा डिमांड, और यहाँ पे स्टूडेंट का पढ़ाई ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो उस लोग भी जॉब ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मिनिमम वेजेस, सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो कम से कम 350 से लेकर 400 यूरो का, जो लॉ है 360 यूरो के आसपास का है। लेकिन एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि लगभग जो अगर बेड स्पेस अगर प्राइवेट रूम लेना चाहोगे तो आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ लगभग आपको पड़ेगा ये 120 यूरो के आसपास का, और खाने पीने के साथ 200 यूरो का खर्चा, 200-250 यूरो का खर्चा मान के चलो। ओवर टाइम के साथ लोग 700-800 यहाँ कमा लेते हैं, तो आप सोचोगे कि आप मतलब यूरोप के अदर कंट्री से कमा लोगे। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी है, मतलब सस्ती है, बाकी कंट्री से सस्ती है। जॉब खोजने का बहुत आसान तरीका है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मलिक भाई कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मैंने देखे, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं यहाँ के लोग, मैंने देखा है, खुद मैंने बात किया। रिसेप्शनिस्ट थी यहाँ की एक बंदी, वो अलग पार्ट की थी लेकिन वो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैंने पूछा भी तो बोलती नहीं हमारे यहाँ के लोग इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, और यहाँ पर कोई मतलब कहते हैं ना रिस्पेक्ट सबकी है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, तो यहाँ की भी अलग रिस्पेक्ट मैंने देखी है। और परमिट के बारे में बता दूँ, यहाँ के एम्प्लॉयर को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास बंदा नहीं था, इसके लिए मैंने मुझे नहीं मिला बंदा। लेकिन हाँ एक बात थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, वो चेकिंग कुछ ज़्यादा करते हैं कि हाँ भाई बंदा वाकई में मिला था कि तुम नॉर्मली ऐसा बना ऐसे बता रहे हो हमें। वो बहुत हार्डली चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही परमिट मिलता है। परमिट मिलने के बाद की वीज़ा एप्लीकेशन जो है सेम प्रोसेस है, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कभी बैठ के कि बल्गेरिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन अमन जो नॉर्मली होता है, इंश्योरेंस देना है, PCC देना है, डॉक्यूमेंट देना है, क्या क्या करना है, क्या फीस होते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बताने का था कि यहाँ पे जो वीज़ा, यहाँ पे जो परमिट मिलता है वो 1 साल का मिलता है, जो ऑटो रिन्यूअल भी होता है आपके एम्प्लॉयर के और आपके डिसीजन पे होता है कि आप लोग रिन्यूअल करना चाहते हो कि नहीं। बाकी प्रोसेस सेम है, उसके एक वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, और कहते हैं कि बल्गेरिया कोई भी कंट्री का, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सोचा मैं बल्गेरिया के बारे में आपको नहीं बताऊँ तो कैसे चलेगा। तो एक बात बल्गेरिया के बारे में जाते जाते एक बात बोल दूँ, ये मत सोचना ये सेंजन कंट्री है, मतलब यहाँ से आप जर्मन जा सकते हो, फ्रांस नहीं, यहाँ से आप बल्गेरिया से और कहीं नहीं जा सकते हो। हाँ जी, बल्गेरिया से आप सिर्फ रोमानिया जा सकते हो, क्रोशिया जा सकते हो घूमने के लिए, लेकिन यहाँ से आप यूरोप नहीं जा सकते। यूरोप के लिए डिफरेंट आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है, लेकिन जो यहाँ के रेसिडेंट, जो यहाँ के नेशनल है उनको फ्री है जाना आना, उनको बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत मतलब वो जा सकते हैं। लेकिन जो रेसिडेंट होते हैं, जो एक्सपैटर्स होते हैं, जो बाहर के होते हैं, उनके लिए डिफरेंट रूल होता है, डिफरेंट लॉ होता है। तो ऐसा मत सोचना कि आप रोमानिया में या रोमानिया में आ रहे हो या बल्गेरिया में आ रहे हो या क्रोशिया में आ रहे हो तो आपको सेंजन का एक अलग पार्ट है। सेंजन 26 कंट्री में, उसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पे आप सिंगली सिर्फ जाके काम कर सकते हो। बहुत सारे रोमानिया से मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो आज सोफिया लैंड हुआ था तो सोचा सोफिया पे वीडियो बना के आपको बताऊँ कि सोफिया के प्रोसेस क्या है। मुझे लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था उन लोगों के लिए जो सोफिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और उनके लिए काफ़ी नॉलेज मिल गया। और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कभी कि वीज़ा प्रोसेस, इनके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, क्या क्या चलते हैं और क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह सपोर्ट की ज़्यादा से चैनल का लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना, और हाँ आपको प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि हाँ मैं वर्ल्ड ट्रेवलर हूँ, दुनिया घूमता हूँ, ये नहीं कि कहीं पर बैठ के वीडियो बनाता। थैंक यू वेरी मच। तब्रेज़ मलिक दिल से सबको सैल्यूट करता है आप लोगों का।
थैंक यू वेरी मच।